नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पैकेज 19 के अंदर वेसाइड अम्यूनिटीज जो बनी है, और पूरा बताने वाला हूँ कि अभी यहाँ पर कितना काम हुआ है और क्या काम बचा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मंदसौर इंटरचेंज का अपडेट दिया था, उसके 2 किलोमीटर आगे ही ये वेसाइड अम्यूनिटीज बनी है, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग से अपडेट दिया जब से इसकी नींव रखी गई थी। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे हम पूरा देखते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कितना काम हुआ है और क्या काम चल रहा है। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों इस इंटरचेंज और इस वेसाइड अम्यूनिटीज के यहाँ से उज्जैन 141 किलोमीटर, रतलाम 83 किलोमीटर, वहीं मुंबई की बात करें तो 738 किलोमीटर यहाँ से पड़ने वाला है। तो देखिए बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, वेसाइड अम्यूनिटीज 1 किलोमीटर आगे हैं। अगर आप तेज स्पीड में आ रहे हैं और आपको इस इंटरचेंज या इस वेसाइड अम्यूनिटीज के यहाँ नहीं उतरना है तो आप सीधी स्पीड में जा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और अगर आपको यहाँ पर रुकना है, वेसाइड अम्यूनिटीज में रुकना है, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, या फिर कुछ खाना पीना है, या यहीं रुकना है, तो उसके लिए आप यहाँ से जैसे टर्न लेकर सर्विस रोड पर जा सकते हैं। अलग से रैंप बनी हुई है यहाँ पर सर्विस रोड की। तो देखिए इस प्रकार से आप अलग जा सकते हैं और वेसाइड अम्यूनिटीज में आनंद ले सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। तो दोस्तों आप जो ये आगे की जगह देख रहे हैं, ये कार पार्किंग के लिए आपको दिख जाएगी। ये यहाँ पर आप कार पार्क कर सकते हैं। पूरे एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये यहाँ पर फूड कोर्ट, ट्रामा सेंटर, डॉर्मेट्री और सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। साथ ही साथ पेट्रोल पंप भी यहाँ पर वेसाइड अम्यूनिटीज़ में हैं। तो आपको मैं आगे सारी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि कितनी बन चुकी हैं। तो बने रहे वीडियो में। देखिए दोस्तों शानदार लुक आ रहा है वेसाइड अम्यूनिटीज का। फिलहाल यहाँ पर काम बचा हुआ है, लगभग 2 महीने और लगेंगे इस वेसाइड अम्यूनिटीज को पूरा होने में। जैसे कि आप आगे देख पा रहे हो, इस प्रकार से पार्किंग एरिया बन गया है और जो बिल्डिंगें हैं, एक साइड तो बिल्डिंगों का काम लगभग पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग का काम बचा है वो चल रहा है, और एक साइड अभी कुछ काम ही चल रहा है, काफ़ी काम, मतलब फर्श वगैरह का काम चल रहा है। तो चलिए इस साइड, एक साइड में आपको दिखाता हूँ कि इधर कितना काम हुआ है। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हाल, ये इस प्रकार से ये फूड कोर्ट का सेक्शन है। यहाँ पर फूड कोर्ट के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी लंबा एरिया इसके लिए लिया गया है। ये वेसाइड में दोनों तरफ फूड कोर्ट के लिए इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपको सारी ब्रांड के यहाँ पर फूड्स अवेलेबल मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी सारी ब्रांड्स जैसे मैकडोनल्ड्स, फूड पांडा, इस प्रकार से सारी ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया है जो काफ़ी लंबी जगह में बना है और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने वाला बनने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी ली गई है दोनों तरफ से। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए गैरेज भी होंगे, और आप देखोगे तो यहाँ पर लोकल हाट बाज़ार भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं ये देख पा रहे होंगे जो ये है वो पेट्रोल पंप के लिए बना हुआ है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर से स्ट्रक्चर है, ये हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर फर्श का भी काम चल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हेल्प डेस्क, और दोस्तों यहाँ पर मोटल और होटल की भी व्यवस्था है, ताकि ट्रक ड्राइवर और कोई भी यहाँ पर रुक सकता है, अपने वाहन को आराम से पार्क करके यहाँ पर स्टे कर सकता है, नाइट स्टे कर सकता है, और यहाँ पर भोजन के लिए रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सब कुछ फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ, इसी प्रकार से आप एग्जिट लेकर वेसाइड अम्यूनिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं रोड से। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड
में चलने वाला है और बिना किसी डिस्टरबेंस के यहाँ पर हम सफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो बाहर से आप लुक देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल का लुक है, इस प्रकार से बाहर का रहेगा। और ये पास में एक और बिल्डिंग बन रही है, ऐसे काफ़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही हैं और पीछे भी पार्किंग का पूरा एरिया है, ताकि आराम से ट्रक यहाँ पर पार्क हो जाएंगे और आराम से आप यहाँ पर रुक सकते हो। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रैफिक भी हमको अभी थोड़ा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, इस प्रकार से बिल्डिंगों के आगे पौधे भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इस वेसाइड अम्यूनिटीज़ पर सारी सुविधाएं चालू होने में अभी भी 2 से 3 मंथ और लगेंगे। फिलहाल यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है और देखिए, इस प्रकार से हल्का फुल्का ट्रैफिक भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो उतना ट्रैफिक यहाँ पर अभी चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए, इंटरचेंज के यहाँ पर भी रात का जो सीन है वो काफ़ी शानदार लग रहा है और सारी लाइटिंग यहाँ पर ऑन रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। टोल टैक्स भी यहाँ पर चालू हो चुका है, जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों, आगे भी मैं पूरे इस इंटरचेंज और वेसाइड अम्यूनिटीज़ के आपको अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।